हाय गाइस, वेलकम एवरीवन। तो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि एनएलबी ओडिशा में इंटर्नशिप और प्लेसमेंट का क्या सीन है, बिकॉज द स्टूडेंट्स हु आर एक्चुअली जो रियलिटी में अभी वहां पे थर्ड ईयर के स्टूडेंट है, वो खुद आपको बताएंगे वहां पे क्या सीन है, सीनियर से कैसे इंटरेक्शन है, और ये सब चीजें आज की वीडियो में पता चलने वाली है। तो जस्ट डोंट लीव दिस वीडियो इन द मिडल, पूरा वीडियो देखना बहुत जरूरी है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जैसे प्लेसमेंट इंटर्नशिप बारे थोड़ा सा बात करते हैं, तो प्लेसमेंट इंटर्नशिप में जैसे आई थिंक इंटर्नशिप एक एक्सपीरियंस देता है। जैसे हम लोग सोमेश टाइप पर बात हो चुकी है कि इंटर्नशिप कितना इंपॉर्टेंट है, इंटर्नशिप से कितने एक्सपीरियंस मिलते हैं। मे बी किसी कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस ले रहा है, कोई लिटिगेशन का एक्सपीरियंस ले रहा है, कोई जज के अंदर इंटर्नशिप है, कोई कमीशन में है, तो बहुत सारी मतलब वेरिड फील्ड्स हैं लॉ में जो आप इंटर्न कर सकते हो। तो जैसे प्लेसमेंट एंड कमिटी जो होती है, प्लेसमेंट इंटर्नशिप कमिटीज होती है कॉलेजेस की, तो तुम्हारे मतलब कैसे एक्टिव वर्क करती है, कैसे उसका रोल है तुम्हें इंटर्नशिप प्लेसमेंट दिलवाने में? या इंटर्नशिप कमेटी हमारे यहाँ एक्टिव है, इंटर्नशिप वो लोग टाइम टू टाइम भेजा करती हैं, उन्हीं के थ्रू हम लोग कई इंटर्नशिप्स पाते हैं। बच्चे इंडिविजुअली अप्लाई करके भी पा सकते हैं, वो नो डाउट वो अपना मेल भेज सकते हैं करिकुलम पीछे और कवर लेटर वगैरह, बट इंटर्नशिप कमेटी भी पूरा एफर्ट डालती है, साथ ही में प्लेसमेंट कमेटी भी काम करती है अच्छे से, और RCC वगैरह कॉन्स्टिट्यूट होती है रिक्रूटमेंट कोऑर्डिनेशन कमेटी, तो उस वो भी आपके प्लेसमेंट्स कॉलेज में जो कॉलेज स्टूडेंट्स उनके लिए भी अपॉर्चुनिटीज जनरेट करती है। मोस्ट पीपल जो होते हैं वो बाहर इंटर्नशिप्स करते हैं, पीपीओ भी सिक्योर कर लेते हैं। सीनियर्स हैं हमारे जिन्होंने पीपीओ, अच्छे खासे पीपीओ सिक्योर किए टायर वन फर्म्स में, तो ऐसा कल्चर है। और आपको हमेशा सीनियर्स वगैरह से और कुछ एक्सटेंट तक फैकल्टी से, बट सीनियर्स विल मोस्टली हेल्प कि सीनियर से आपको मदद मिल जाएगी अपनी इंटर्नशिप्स वगैरह कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है, किसके अंडर करी जाए, ये सब हेल्प कर सकते हैं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। आई बिलीव कि भाई इंटर्नशिप का बड़ा रोल है। और क्या तुम्हें क्या लगता है दीवान कि एनएलयू का टैग, एज एनएलयू ओडिशा का टैग ने तुम्हें कोई इंटर्नशिप दिलाई है अभी तक? कोई मतलब कुछ ऐसा वर्क करता है एनएलयू का टैग, एनएलयू ओडिशा का कोई टैग? ऑब्वियसली करता है, सभी सब प्लान दे रहे हैं, एंड या एनएलयू का टैग हेल्प करता है मुझे भी काफी। मैंने अभी तक दो इंटर्नशिप्स करी हैं और दोनों में आई थिंक एनएलयू का काफी रोल था, क्योंकि इनिशियल जब आप फर्स्ट ईयर में रहते हैं आपके पास बहुत सारी चीजें नहीं होती है करने के लिए। फर्स्ट ईयर में आपके पास ऐसा बहुत ज्यादा चीजें करने के लिए नहीं होती, लाइक नोट्स वगैरह, तो आपको इंटर्नशिप्स पर ही आप इंटर्नशिप्स के लिए देखते हैं। तो वहाँ पर एनएलयू जैसा आप सीवी में आपके पास बहुत सारी चीजें नहीं हो सकती है डालने के लिए, तो उस वक्त जो इंटर्नशिप कोऑर्डिनेटर होगा जहाँ पर आप अप्लाई कर रहे हैं, तो वो क्या देखेगा आपकी सीवी में, तो वहाँ पर एक एनएलयू का वो चीज काम आती है, और फिर आपका जीपीए तो रहते ही जो भी देखते हैं। अच्छा, इनिशियल फर्स्ट ईयर में ज्यादा अच्छे से ये एनएलयू टैग ज्यादा वर्क करता है, क्योंकि ऐसे मेरा भी फर्स्ट ईयर जैसे ही हुआ था जब। Hi guys, so today's video is sponsored by An Academy. तो An Academy एक क्लैट की कोचिंग आपको देती है, क्लैट की कोचिंग लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, यहाँ पे कहीं भी कैसे भी आप लाइव क्लास रिकॉर्डेड क्लास दे सकते हैं। एनएलयू एलुमनाइज को पढ़ाते हैं, अनलिमिटेड क्विजेस होती रहती हैं, वीकली स्ट्रेटेजिक सेशंस होते रहते हैं, तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट थिंग जो एक कोचिंग एक प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड कर रहा है। एडवांस लॉ बैच चल रहा है जो कि वन ईयर का ड्रॉपर बैच है, जो कि स्टूडेंट 12th में नहीं क्रैक कर पाए क्लैट और ड्रॉप करना चाहते हैं के लिए ये बैच है। एस लीगल 1.0 ये बैच है क्लैट 2023 के लिए, जो कि नेक्स्ट टू नेक्स्ट एग्जाम है क्लैट का, मीन्स 2 ईयर्स टाइम है, तो आप ये बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में होने वाला है, और दिस बैच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 13th of August। ऑन द पॉपुलर डिमांड An Academy ने सब्सक्रिप्शंस को एक्सटेंड कर रहा है, 12 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन पे आपको 2 मंथ्स का एक्स्ट्रा मिल रहा है, और सब्सिक्वेंटली ऐसे ही ऑफर्स हैं, आप इन ऑफर्स को अवेल कर सकते हैं। बढ़िया प्राइसेस पे आपको सब कुछ मिल रहा है, तो आप An Academy की इन चीजों को ले सकते हैं एट दिस प्राइस। अगर आप एलोफ्ट कोड यूज करेंगे तो आपको इजिली 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। लाइव क्विज का फीचर है, जिससे लाइव क्विज आप खुद होस्ट कर सकते हैं अपने फ्रेंड के साथ, एज अ कम्युनिटी आप पढ़ सकते हैं। तो गाइज, An Academy का लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट से यू लेट आप इस एग्जाम को राइट कर सकते हैं एवरी फ्राइडे 4 to 5 के बीच में। वीकली T20 सीरीज होती है An Academy पे। An Academy का क्लैट का यूट्यूब चैनल है, जस्ट गो एंड सब्सक्राइब दैट चैनल। An Academy क्लैट इज नाउ ऑन टेलीग्राम, आप उनके टेलीग्राम ग्रुप पे जाइए, एक कम्युनिटी फॉर्म होती है, ये बढ़िया रहता है, साथ में आप बहुत चीजें डिस्कस कर सकते हैं, क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं, लिंक सारी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। क्योंकि ऐसे मेरा भी फर्स्ट ईयर जैसे ही हुआ था जब मैंने EFT एक आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल था लखनऊ में,
सो मैं जब वहां अप्लाई करने गया, तो क्या आपके पास ना जीपीए है ना कुछ है, वो क्या देखेंगे, क्या आप सीवी लेके जाओगे? तो एक रेडियो का टैग होता है, जहां मेरा एक फ्रेंड था SLS नोएडा का, उसको नहीं मिल पा रही थी, बट मतलब उसके पास बहुत चीजें थी बट नहीं मिल पा रही थी, बट ऐसे हम लोग गए थे, मैं एक मेरा फ्रेंड था, हम लोग गए, हम लोग को भी मिल गई और साथ में उसकी भी लग गई, क्योंकि वो साथ गया था हम लोगों के। सो ये कहा मतलब एनएलयू टैग वर्क कर जाता है, इनिशियल ईयर में ज्यादा वर्क करता है, बाद में आपका जीपीए और सब चीजें और भी देखने लगते हैं। तो भाई तुम लोगों ने कहाँ कहाँ इंटर्नशिप करी? सोमेश भाई तुमने कहीं इंटर्नशिप करी अभी तक? जैसे हाँ यार, मैंने एक प्राइवेट लॉयर के अंडर भी करी थी, बट दूसरे तीसरे इंटर्नशिप जैसे लगे वो कैंसिल हो गए पैंडमिक की वजह से, तो वो काफी अनफॉर्चुनेट रहा हम लोगों के लिए। बट हाँ, स्टार्टिंग में मैंने प्राइवेट लॉयर के अंडर करी थी, एक एनजीओ में भी करी थी उसके उससे पहले फर्स्ट ईयर में। ओके। और अभी भी, अब तो हमारा सेमेस्टर स्टार्ट हो गया है, तो अभी विंटर ब्रेक का वेट कर रहे हैं, उसमें भी सेमेस्टर के तुम्हारा ट्राइमेस्टर होता है क्या? नहीं नहीं सेमेस्टर सेमेस्टर में स्टार्ट होने वाला। अच्छा, क्या कौन सा सेकंड ईयर? सेकंड ईयर, थर्ड ईयर का फर्स्ट सेम चल रहा है हमारा। कितना फास्ट है तुम्हारा कॉलेज में? अभी कैसे थर्ड सेम, थर्ड ईयर का चालू हो गया? 5 जुलाई से स्टार्ट हो गया। अच्छा, वही मतलब सेमेस्टर स्टार्ट, ओके, मुझे लगा सेमेस्टर एग्जाम चालू हो गए। ओके, सेमेस्टर एग्जाम भी होने वाले हैं अगस्त में। जुडिशरी का भी कोई कल्चर है? मैंने कुछ लोगों को देखा है, क्या उतना खास है कि मीडियम है? बिकॉज मैंने फेसबुक पे देखा था बहुत सारे तुम्हारे कॉलेज के आ रहे थे एनएलयू ओडिशा जज, तो क्या कुछ है बच्चे करते हैं? कॉलेज में काफी सारे कल्चर है, मिक्स्ड कल्चर है, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई एक कंसंट्रेटेड कल्चर है। कोई रिसर्च एसोसिएट बनना चाहता है, कोई लिटिगेशन में जा रहा है, कोई जुडिशरी, कॉर्पोरेट जो है उसको अगर रैंक करना हो तो कॉर्पोरेट को हम टॉप फर्स्ट पे रैंक करेंगे। बच्चे कॉर्पोरेट्स के लिए, कॉर्पोरेट डिसिप्लिन के लिए और कॉर्पोरेट वर्क के लिए काफी मेहनत करते हैं। और फिर हाँ, बाकी कल्चर्स भी हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ कॉर्पोरेट डोमिनेटेड, जिसको जो करना है उसको सफिशिएंट टाइम मिलता है कॉलेज में। जहाँ जाना चाहो हर जगह ट्राई कर सकते हो इस यहाँ पे। हाँ, आपको गाइडेंस वगैरह भी मिल सकती है अपने सीनियर से जो उस फील्ड में काम कर रहे हैं, तो कल्चर ऐसा नहीं कि कोई मिसिंग है। नहीं, तो अच्छी बात है। ऐसे मेरे मतलब कमेंट सेक्शन बहुत स्टूडेंट पूछ रहे थे ऐसे, मुझे पॉलिटिक्स करनी है, उनको पॉलिटिक्स करनी है। सो क्या कॉलेज में से कुछ पॉलिटिक्स का रास्ता खुलता है? क्या अलाउड है कि एकदम बैंड है कि बाहर जाके कर सकते हो? कुछ ऐसा कुछ सिस्टम है तुम्हारे कॉलेज में पॉलिटिक्स का, कोई है कर रहा है? पॉलिटिक्स का तो ऐसा मुझे कोई आइडिया नहीं है। हमारे कैंपस में भी सिर्फ एक सिंपल SBA इलेक्शंस होते हैं, जो कि बच्चे ही बच्चे होते हैं उसमें आपस में, वो एक रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं अपने अपकमिंग एडमिन से कम्युनिकेट करने के लिए, बट वो उतना ज्यादा पॉलिटिकल नहीं है, वो उसमें सिर्फ इंडिविजुअल ऐसे बच्चे खड़े होते हैं, जो बच्चा पसंद आता है उसको वोट देते हैं। अच्छा, लॉ स्कूल में से मैं देखता हूँ ज्यादा पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट तो है ही नहीं कहीं पे। और भाई बात सही भी है, कई जगह जब ज्यादा पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तो फिर देखते हैं कि भाई स्टडीज भी यहाँ पर हो रही है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में भी हम लोगों ने देखा है। सोमेश भाई, ये जैसा बताओ इंटरेक्शन कैसा है, मतलब एज अ सीनियर से कैसा इंटरेक्शन रहता है? सीनियर्स कितनी हेल्प करते हैं? बिकॉज लॉ स्कूल में सीनियर्स हेल्प करेंगे, इंटर्नशिप में गाइड करेंगे आपको कैसे वर्क करना है, तो कैसा तुम्हारा कल्चर है इस मामले में? नहीं, आप कॉलेज जाते हैं, जाते ही आप पहले तो अपने बैचमेट से मिलते हैं, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली आप उसी फ्लोर, एक फ्लोर पे सेम बैच के लोग रहते हैं, लेकिन कई बार चेंजेस भी हो जाते हैं। अच्छा। फिर सीनियर्स वगैरह से जब आपकी मुलाकात होती है तो सीनियर्स वगैरह आपसे मिलते हैं और आप इनको मीट करते हैं, ग्रीट करते हैं, मतलब ये होता है काफी काफी प्रोफेशनल सा पहला हिसाब रहता है, बाद में आप थोड़ा थोड़ा कंफर्टेबल होना शुरू होते हैं। फिर मदद का तो क्या है, मदद का वो आपकी सारी मदद करते हैं, मतलब थ्रू आउट, अगर आपको एकेडमिक्स में जरूरत है, मतलब अगर नोट्स, अगर किसी कोई क्लास मिस कर दी आपके पास नोट्स नहीं हो तो वो हेल्प कर देंगे आपको। इंटर्नशिप्स में मदद नहीं, मूड वगैरह होता है, मूड पे ड्राफ्टिंग, रिसर्च पेपर राइटिंग, इन सब में गाइड करेंगे आपको अच्छे से कि कैसे आप कर सकते हैं। और अच्छा, मतलब आपको ऐसा लगेगा नहीं कि आप अकेले हो, कोई ना कोई आपकी हेल्प करने के लिए रहेगा। If you love the video, do give it a thumbs up, तुरंत thumbs up करिए, like करिए, और अगला video किस topic पे चाहते हैं वो comment section जरूर है। Thank you guys, this is Avinash Tiwari, student at National University, Lucknow, signing off.